गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि आज ईद हो जाएगी और हमें रात को 11 बजे पता चला हम 4 बजे सोए और 6 बजे उठना पड़ा है। तो मैं तैयार हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ और मुझे चप्पल वगैरह या परफ्यूम वगैरह थोड़ा और सेट करूँगा। तो मैं तैयार होकर आपसे मिलता हूँ, आज सारा दिन हम ब्लॉग बनाएंगे, दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी। तो मैं परफ्यूम लगाना भूल गया तो आप परफ्यूम लगाएंगे। तो अभी पहले इधर लगता है यार बहुत अच्छी इस परफ्यूम की खुशबू है। हेलो गाइस, मैं नवाज पढ़ के आया और आप सबको मिस्टर हैकर की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने सोचा कि मैं अभी मुझे याद ही नहीं था कि ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले कभी ब्लॉग नहीं बनाया। तो मेरा आप कपड़े देखें मैंने कैसे पहने हैं। ये वाली हमारी ईद सिंपल हुई है घर में, बस घर में ही अभी मैंने खाना खाया और अभी मेरे पास ईदी जमा अभी हुई नहीं क्योंकि हम कदर गए नहीं, कोई आया नहीं। 200 रुपये हुए हैं और 1000 अलग से 1000 हुए हैं। और मैं अपने ननिहाल जाऊंगा तो उधर होगी, वो हम कल जाएंगे। कल भी आपके ब्लॉग में बताऊंगा कि मुझे कितनी ईदी जमा। तो मैं आपको अपना कपड़े दिखाऊँ, मैं और मेरा छोटा भाई मीन्स मेरे चाचू का बेटा, मेरा कज़न और मेरा दादा बाबा, हम तीनों कपड़े एक जैसे पहनते हैं। हरित में चाचू और मेरे पापा नहीं पहनते क्योंकि वो दूसरे ले लेते हैं पहले से। चलो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कपड़े। ये मैंने बनवाए और ये मेरा चप्पल है। वैसे तो मैं वो लेता हूँ, वैसे हर ईद पे मैंने वो लिया है सैंडल या शू लेता हूँ, पर इस बार गर्मी बाल को सेट करते हैं फिर नीचे चलते हैं, मेहमान आ रहे थे शायद कोई। अला वैस वो चले गए और अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। तो गाड़ी निकाले हैं यहाँ पर, बाइक पे जाए या इस पर जाएंगे तो कब्रिस्तान में मिलते हैं। नहीं आपको पता, मुझे भी नहीं पता क्योंकि कब्रिस्तान में मोबाइल रखना ठीक नहीं है, उधर दुआ के लिए जाते और दुआ करने वाले। तो हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे, अब मैं जा रहा हूँ और वो बिस्किट लेने की कमी ओरियो कप केक बना रहे हैं। तो चलते हैं, हमने ये ले लिया ओरियो और हम कप केक बनाएंगे अभी। तो मैं आपको उसकी रेसिपी बता रहा हूँ घर करके तो रास्ते में अभी। एक रेसिपी बताऊँगा, आप तो एक कप लें उसमें 4 ओरियो बिस्किट डालें, मीन्स एक पैक में 2 होते हैं तो 4 डालना है आपको, 2 पैक 10 के। और उनमें उसमें ना थोड़ा इतना दूध डाल के उसको बहुत शेक करें, उसको ना ओरियो बिस्किट को भर के फिर उसमें डालें। फिर मैं तो उसमें ना बंटीज डालता हूँ, बंटीज वो बहुत अच्छा होता है। डाली नहीं आज डालूँगा क्योंकि मुझे मैंने बहुत बनाया पर मुझे ही वाला पसंद है। और आज जुम्मे का दिन है, हमारे घर बैंड पड़ती है और सुबह को हमने सेवैयाँ खाई थी, उसके बाद कल अचानक से ईद का पता चल गया तो हमने कोई बाहर से या फिर कोई खीर वगैरह शीर खुरमा कुछ नहीं किया, बस निम्को था और कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ चीज़ें कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो इसको हम बनाएंगे, हमारा पूरा किचन है पीछे, इसको हम बनाएंगे तो बना के आपसे मिलते हैं, आपको दिखाएंगे। और इसको 44 मिनट्स पे बेक सेकंड्स पे बेक कर रहे हैं, तो आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। हमारे घर आ गए और लड़े भाई और रास्ते में सिंधी में बोल रहे हैं, सिंधी में बात कर रहे हैं बांदर कर रहे जैसे ये गन दिए गिफ्ट ऐसे ही। मुरियान भाई और घर आ गया था और मुरियान भाई ने मुझे गन गिफ्ट की और अपने लिए वैसे लेकर आए और हमने थोड़ी देर खेला और मुझे याद आया यार आना ही नहीं है ना। तो यार मैं नहीं आ रहा हूं, तो हम रियान भाई के घर गए थे और रियान भाई ने मुझे एक गन गिफ्ट की, बर्थडे गिफ्ट। ये दुबई थी ना तो मुझे विश किया था पर गिफ्ट नहीं दी, तो ये मेरे लिए गिरा है। थैंक यू सो मच रियान भाई। और ना हमने ब्लॉग बनाया बहुत सारा दिन हो गया है, बहुत लंबा हो गया, तो आज शाम हम ब्लॉग बनाएंगे या नहीं तो इसमें मैं आपको ये बता नहीं क्योंकि हर जगह हुई है।
सब कल बनाएंगे परसों बनाएंगे तीन ईद के दिन ये मैं यहाँ पे ये ब्लॉग का भी बनाऊंगा ठीक है भाई अलग है ऐसे नहीं सर हम लोग ये